ध्यान से समझना, अंकिता जो है उसे ये बात का खराब लगता है कि मुनावर ने डॉल का झोंक मारा। विकी ने क्या बोला था मुनावर को? टू टाइमिंग आज के एपिसोड में। कल तुमने मनारा को क्या बोला था? गोदी में बैठ मुनावर के, सॉक सुन ले, गो फॉर एवरीबडी। तुम्हें बुरा लगेगा जब तुम्हें कोई कुछ बोलेगा तो, और सामने वाले को बुरा लगता है उसका क्या? हम एक छोटी सी प्रे कर लेते हैं और उसके बाद वीडियो चालू करते हैं। ये पूरी दुनिया में ऊपर वाला करे अमन शांति रहे, लोगों को अच्छा दिमाग दे ऊपर वाला, ताकि कहाँ पर भी कोई बुरी चीज़ हो रही है तो वो ना हो। जो भी बहुत मेहनत करता है उसे सफलता मिले। जिस किसी की भी लाइफ में तकलीफ़ चल रही है और तकलीफ़ सॉल्व नहीं हो रही है, ऊपर वाला करे वो सबकी तकलीफ़ दूर हो जाए। हम पब्लिक रिएक्शन देखते और जल्द मिलते हैं आज के रिव्यू में। हर किसी ने अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ बताई है, हम समझेंगे। पब्लिक रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं। अंकिता बड़ी नागिन, उनसे भी ज़्यादा जहरीली छोटी नागिन ईशा। मनारा टनल तक छोड़ के आएगी आयशा को। ईशा को निकालो बटन। मुन्ना भी लाइक विकी भैया को तो टनल तक लेकर जाऊँगा। ईशा गटर छाप बटन, ईशा थू 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 बटन। टॉप थ्री अभिषेक मुनावर मनारा। बिग बॉस गलत नहीं करना अभिषेक के साथ, क्योंकि रियल विनर अभिषेक है। हिला दिया अभिषेक ने, ईशा का तो मोए मोए हो गया। मुन्ना अभिषेक फायरफुल। सेकेंड अभिषेक के खिलाफ एक कमेंट, कॉपी पेस्ट कुमार। थर्ड ईशा का गुरूर तोड़ दिया विनर अभिषेक। ये लास्ट कमेंट लेते हैं, उसके बाद हम रिव्यू चालू करते हैं। वेल डन मुन्ना, बट विकी भाई इज़ गुड, हर वाइफ इज़ विलन। विकी भैया को तो बुरा वाला बजा दिया मुनावर ने। ओनली मुनावर डिजर्व द विनर ऑफ बिग बॉस 17। माइक ड्रॉप। अब देखो अंकिता, तुमने सबसे पहला सीन क्या किया? मैं तुझे एक चाटा मारूंगी। किसे? विकी को कहा। उसके बाद तुमने क्या किया? विकी को जाके किस कर रही हो। उसके बाद तुमने क्या किया? वाइफ हो मतलब ये नहीं है कि तू कहाँ पर भी टच करेगा, कुछ भी करेगा। अंकिता तुम्हारा नेचर है ना, फ्लक्चुएट हो रहा है। अब मनारा ने अगर विकी को पूछा, मैंने ये पहना है तो बराबर है, टाइट तो नहीं लग रहा है, तो इसमें विकी की क्या गलती है? अब तुम लोग का ये बोलना था कि वो ये बोल सकता था कि मुझे नहीं पता है, बट विकी जो है उसका अलग नेचर है। अब वो टाइम पर उसे जो दिमाग में आएगा वो बोलेगा। और मनारा जो है, तुम लोग का बोलने का मतलब है कि वो जानबूझ के कर रही है। यहाँ पर है ना, हम दोनों पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट देखते हैं कि वो जानबूझ के नहीं कर रही। ये कैसे? कि उसने इनोसेंस होके विकी को पूछ लिया, टाइट तो नहीं लग रहा है। उसके बाद उसे ऐसा लगा कि यार ये लोग को ऐसा ना लगे कि मैं इससे पूछ रही हूँ, इसलिए उसने ईशा से भी पूछा, ईशा क्या ये बराबर रहेगा? तो तुम लोग का वो बात तो क्लियर हो गई कि वहाँ पर उस ईशा ने कहा था कि हमसे भी तो पूछ सकती थी ना। उसके बाद उसने ये भी बोला कि यहाँ पर कोई मुझे लड़की बात नहीं कर रही है, इसलिए मैं इनसे पूछ रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि उसने इनोसेंस में पूछा। पर अगर उसने इनोसेंस में नहीं पूछा और उसने अंकिता को छेड़ने के लिए पूछा, तो इसमें अंकिता गलती किसकी है? तुमने उसके साथ बिलो दी बेल्ट बात की है, तो कहाँ ना कहाँ अगर उसके दिल में खटास है और उसे तुमसे बदला लेना हो, हालांकि ये नहीं हो सकता है, उसने इनोसेंस भी पूछा हो, बट अगर उसे बदला लेना हो और वो कर रही हो, तो इसमें भी तो तुम्हारी गलती है ना। तो तुमने बहुत बुरी तरीके से बात की ना मनारा के साथ, तो उसके दिल के अंदर बदला लेने की अगर भावना ही, उसके ज़िम्मेदार तो तुम हो ना। अंकिता तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या करना है। आज सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर है ना बहुत दया आ रही थी, बहुत सिंपति हो रही थी। तुम्हें क्या चाहिए मालूम है? विकी तुम्हारे पास ही रहे, तुमसे ही बात करे, तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें ही अटेंशन, तुम्हारी केयर करे। पर तुम्हें ना विकी को जीतने के लिए नहीं आता है। द वे यू टॉक, सम टाइम यू टॉक वेरी स्वीट, कभी तुम बहुत स्वीट बात करती हो, कभी तुम हड़का के बात करती हो। तो हमें है ना सामने वाले को जीतने आना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि विकी राइट है, विकी नोज एवरीथिंग, बट विकी भी है ना दूर होते जा रहा है। आज उन लोगों ने डिवोर्स तक की बात कर ली। तुम बोलती हो मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे इमोशन नहीं समझ रहा है, मुझ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है तुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसकी मेरी चिक चिक है। तो अंकिता एक बार अकेले में बैठो और अपने आप से पूछो कि मेरे से इससे गलती क्या हो रही है कि मेरा हस्बैंड मेरी तरफ नहीं आ रहा है। कल तुम उसे बोलती हो कि ईशा तेरे साथ बात करती है, तुझे समझाती है, तो तू उसकी सुनता है। वो मनारा के साथ बात करता है, वो आयशा के साथ बात करता है, तो तुमसे क्यों बात नहीं करता इतनी बहुत? क्योंकि तुम है ना ऐसे रिएक्ट करती हो, ऐसे रूड बिहेव करती हो। तुम जब अपने आप को पूछोगी ना कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, और तुम विकी के साथ रूड होके कम बात करोगी ना,
उसके बाद अगर वो चेंज नहीं होता है ना तो उसकी गलती है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ अंकिता की गलती नहीं है। जब एक हस्बैंड को पता है कि मेरी वाइफ का नेचर ऐसा है, मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करे, काम पूर्ति बात करे, अपने हिसाब से बात करे। मैं मिडल ऑफ द वीडियो फिर से आ गया हूँ। इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, आप जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, कसम खा के बोलता हूँ, दिल को सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच। पिछले वाले वीडियोस में और ये वाले वीडियोस में भी एडवांस में जो लाइक करे उनके लिए भी, जो कमेंट करे उनके लिए भी, और जो ना करे एटलीस्ट आप यहाँ पर आए, आपने वीडियो देखा, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है, दोनों जने नहीं समझ रहे। तो जहाँ पर दोनों जने नहीं समझेंगे वहाँ पर तो प्रॉब्लम होने वाली है ना। अंकिता का जो फेस है ना वो आप लोग देखना, मनाराज अंदर थी, ठीक है, तुम क्यों बार बार जा रही थी अंदर कि मुझे बात करनी, मुझे टाइम मिलना चाहिए। मुनावर ने भी तुमको बताया कि विकी और अभिषेक ने बहुत टाइम ले लिया, और बिग बॉस जब देख रहे हैं कि तुमको अगर वो राइटर से बात करनी है, वो राइटर भी तुमको बोल रहा है मैं तुमसे बात करूँगा, तभी भी तुम बार बार अंदर जा रही हो ताकि तुम मनारा को बाहर निकालो। कल भी तुमने इतना जो गंदा मनारा को बोला है वो सिर्फ विकी को लेके बोला है। तुम्हारा भी क्या हो गया मालूम है, या तो तुम विकी से झगड़ा करती हो या फिर तुम दूसरे के साथ है ना छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करती हो, विकी का फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालती हो। अगर तुमने ये एटीट्यूड कंटिन्यू रखा ना कि हर चीज़ में एकदम ऐसा कि मुझे विकी चाहिए, विकी और किसका नहीं होना चाहिए, विकी मेरी ही तारीफ़ करना चाहिए, मेरे पास ही रहना चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। हमेशा मेरे रिव्यू में कहा है, कोई भी चीज़ को आप पकड़ के नहीं रख सकते, किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते। लोगों को जीतने का एक तरीका रहता है, आपको वो सीखना पड़ेगा। आप बोलती हो कि मैं ऊपर वाला मुझे अंधी कर डाले, मैं रिएक्ट नहीं करूँ, अपने आप को थोड़ा समझाओ, रूड ना हो, हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करो। तुम ये सब कर रही हो तो वो दूर 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 और एक दिन बहुत दूर चले जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, विकी की भी ऐसा नहीं है कि विकी भी बहुत शरीफ है, विकी की भी गलती है, विकी को भी समझना पड़ेगा। बट अंकिता जब समझेगी उसके बाद विकी नहीं समझता है तो पूरी विकी की गलती। यहाँ पर तो अंकिता ओवर रिएक्ट कर रही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में मैं रोज़ बोलता हूँ, दोनों को एक दूसरे को पढ़ना पड़ता है कि भाई दोनों का नेचर कैसा है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पर बड़े हुए हैं, दोनों का दिमाग अलग है, दोनों की परवरिश अलग तरीके से हुई है, तो दोनों अपने हिसाब से रहने वाले। तो जब दोनों एक दूसरे को पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे का नेचर पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे के ट्रिगर पॉइंट के, दोनों को क्या बात पे बुरा लगता है, दोनों एक दूसरे को अटेंशन देंगे, केयर देंगे, ओवर नहीं करेंगे। रिलेशनशिप में अगर आप ओवर केयर, ओवर वैल्यू, ओवर सब चीज़ें करने चाहते हो तो भी सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं करता है। मैंने बताया है पहले के रिव्यू में भी, जो पहली बार देख रहे हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी ये झुक गया कभी ये झुक गई। बाकी अगर दोनों ईगो रखेंगे, दोनों झुकेंगे नहीं, दोनों बार बार झगड़ा करेंगे, दोनों एक दूसरे से बोर हो जाने वाले हैं, रिलेशनशिप बिगड़ने वाला है। तो अगर रिलेशनशिप सही सलामत चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। अब अभिषेक की बात हुई तो हम बात करते हैं ईशा की। अभिषेक ने ईशा को क्या कहा, मेरी गेम को ज़ीरो बोलती थी बट अभी नॉमिनेट कौन है, जो कल मैंने बोला था फिनाले में कौन पहुँच गया ये लोग ना, तो ईशा क्या हिसाब से बोल रही थी सब चीज़ें। अभिषेक ने लास्ट में ये भी बहुत सही बोला, मैंने टीवी तो नहीं तोड़ा है, मैंने तेरा गुरूर तोड़ा है। और ईशा इसका प्रूफ क्या है मालूम है, सुदेश लहरी ने भी ईशा को क्या कहा मालूम है, पोकिंग की देवी भेजा खाती है, लोगों पे उंगली उठाती है। जैसे करण जौहर को ये ईशा डिनाई कर रही थी, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, समर्थ को कहा था तू ये कह के आया है, सुदेश लहरी को भी ईशा जवाब देती थी नहीं मैंने नहीं किया, सुदेश लहरी ने एंड में ट्यून ही चालू कर डाली, मतलब तू हर जगह पे यही कहती है तूने नहीं किया। ईशा हम है ना अपने आप को हमेशा राइट लगते हैं, हमेशा सामने वाला जो हमें बोले ना वो समझो, सामने वाला हमारे बारे में कुछ बुरा बोलता है ना तो उसने कुछ तो देखा होगा। अभिषेक ने आयशा के लिए भी बहुत सही चीज़ कही कि सांप सीढ़ी का गेम खेल रही है, जब डसा जब नॉमिनेट हुई तब आकर सब चीज़ें बोल रही है तो पहले क्यों नहीं बोली। अब सुदेश लहरी ने भी ये चीज़ बताई, वो तो बाहर से आए ना, उन्होंने क्या कहा, जस्टिस वस्टिस तो ये बहाना है, इन्हें ट्रॉफी लेकर जाना है। मैं कहता हूँ जस्टिस वगैरह तो आयशा के लिए एक बहाना था, रियल में आयशा को बिग बॉस के घर में आना था। और मुनावर ने भी यही कहा ना कि आज ताली के लिए भी आयशा को मेरी ही ज़रूरत पड़ी। बिग बॉस में कौन कैसे आएगा, बिग बॉस में ऐसे ही थोड़ी हवा से आ जाएगा। आयशा नाजिला से मिली, नाजिला को गुस्सा था कि मुनावर आयशा के साथ है, नाजिला ने सब चीज़ें आयशा को दे दी, आयशा ने वही चीज़ों का एडवांटेज लिया जो नाजिला ने दी है, और यहाँ पर आ गई और मुनावर की इमेज ख़राब कर डाली ताकि एटलीस्ट खुद तो फेमस हो जाए। बट आयशा
तुम फेमस तो हुई हो, नो डाउट, बट ये गलत फेमस हो गई हो। फेमस भी इंसान होता है ना, तो कोई इंसान है ना अगर तुम्हारे बारे में अच्छी बात करे ना, तो वो फेमस होना होता है। बाकी कुछ अलग चलग चीज़ करके तुम फेमस भी हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तुम कोई बुरी चीज़ करके पैसे भी कमा लोगे तो वो हॉस्पिटल में ही जाने वाले, यही एग्जाम्पल है, राइट? मेहनत से पैसे कमाओगे तो सक्सेस मिलते जाएगा। तो तुम अगर मेहनत करके आगे बढ़ती ना, उसमें अलग ही मज़ा रहता है। मुनावर का नाम लेके बिग बॉस में आना गलत। ये मुनावर के लिए ये रिश्ते रिश्ते बार बार बात हो रही थी। मुनावर ने जिग्ना से रिश्ता बनाया, एंड तक था। रिंकू से बनाया, एंड तक था। हालांकि मुनावर का जो शो था ना, शो जो बिग बॉस के अंदर किया था, उसमें नील गया था ना, तो उसने वो रिश्ता बनाया था ना। अभिषेक खड़ा है मुनावर के साथ। अब ये जो विकी है, उसके साथ इतना झगड़ा होने के बाद भी कल जब अंकिता का प्रॉब्लम हुआ था, तब मुनावर खुद विकी को क्या बोलता है कि हाँ जाओ मना लो। आज मनारा है तो मुनावर और मनारा भी दोस्त है, बट मनारा की अलग एक्सपेक्टेशन है। वो जो मसाले का चीज़ हुआ जिसमें अंकिता का और मुनावर का झगड़ा हुआ, तो उसमें मुनावर का और अंकिता का झगड़ा विकी के वजह से हुआ। आज की तारीख में भी अंकिता ने कुछ एकदम दिल से नहीं निकाला ना, ये सिर्फ एक आयशा ही है जो नफ़रत लेकर आई है और नफ़रत ही कर रही है। जो मुनावर ने शायरी में भी बोला कि साथ में मेरे रहेगी बट नफ़रत करेगी, मतलब वो दूसरी जगह जाके मुनावर की बुराई करती है। ये सब जो मुनावर के लिए बोला जा रहा है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है। सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे चीज़ें होती, रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। आयशा ने भी इतना बहुत किया मुनावर के साथ, मुनावर ने अपनी तरफ से किसी के बारे में बताया? जब पानी यहाँ तक आ गया था तब एक दो बात की, इसके अलावा उसने सब ब्लेम खुद के ऊपर ही लिया ना। तो उसे रिश्तों की कदर है, इसलिए ना आज अगर आयशा नहीं आती तो नाजिला का और मुनावर का क्या किसी को कुछ पता भी चलता? वो कुछ सामने से कभी उसने कुछ किसी की बुराई की है? कल भी वो अंकिता के लिए ही अभिषेक के साथ बात कर रहा था। तो अगर रिश्तों की कदर नहीं रहती तो अंकिता ने भी तो कितना बुरा बोला ना। वो भी अंकिता के बारे में बुरा बोल सकता था, लेकिन नहीं, वो भी ये नहीं चाहता है कि विकी और अंकिता है वो लोग एक दूसरे से दूर हो जाए। उसे भी चाहिए कि उन दोनों के बीच में हमेशा समझौता रहे। ये है ना एक मोटिवेशनल पार्ट चालू होने वाला है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो जो यहाँ तक आते हैं और यहाँ के बाद आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आप वो चीज़ें सुन लो। रोज़ अगर आप सुनते हो और उससे आपको थोड़ा भी फ़ायदा होगा तो आप सुन लेना। बिग बॉस की गेम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके घर पे आपको खुशियाँ लाना है, आपका कैरियर अच्छा होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, तो हम उन्हें जितनी ज़्यादा खुशी दे सकें उतनी खुशी देनी है। हम अगर अभी यहाँ पर है ना, तो हमें प्लान बनाना है कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। हर इंसान को हक है पैसे वाला बनना, एब्रॉड घूमना, दुनिया की हर खुशी पाना। तो बिग बॉस गेम ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी। तो फैंस प्लीज़ आपस में झगड़ा मत करना, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।